नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस फ्री टेक। गाइस, आज इस वीडियो में हम एक ऐसी ऐप के बारे में जानेंगे जो हमारे सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है, खास तौर से तब अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, वो भी विंडोज 10 या फिर विंडोज 11। अगर आप विंडोज 10 और 11 अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये पीसी मैनेजर नाम की ये ऐप जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपके सिस्टम में होनी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये जो ऐप है आपके सिस्टम को कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज करने के लिए बनाई गई है। अगर आपका सिस्टम स्लो है तो उसकी स्पीड को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, अगर आपके सिस्टम में स्पेस कम है तो स्पेस को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए और आपके सिस्टम में स्पेस बनाया जाए, अगर आपके सिस्टम में कोई वायरस वगैरह की एक्टिविटी आपको समझ में आ रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सिस्टम में कोई वायरस वगैरह आ गया है तो उसको कैसे स्कैन करके उसको ऑप्टिमाइज किया जाए। तो एक तरीके से आपके लिए एक कंप्लीट पीसी ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने एक इकोसिस्टम के तहत बिल्ड किया है। यानी कि अब आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है जिसकी मदद से आप अपने पीसी में टेम्पररी फाइल्स वगैरह क्लीन करते थे, पीसी क्लीन करते थे, ऑप्टिमाइज करते थे। अब आपके पास यहाँ पे पीसी मैनेजर ही काफ़ी है। सबसे पहले तो इसका यूज़ देख लेते हैं, फिर जानेंगे कि इसको डाउनलोड कैसे करना है आपको। ठीक है, तो पीसी मैनेजर को मैं यहाँ पे रन करता हूँ। इसका इंटरफेस देख लीजिए, बहुत ही सिंपल इंटरफेस यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और रन करते ही आपके साइड में यहाँ पे राइट हैंड साइड में ओपन होके यहाँ पे आ जाता है। हालांकि आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो पीसी मैनेजर का यहाँ पर ऊपर अभी आप देख सकते हैं पब्लिक बीटा लिखा आ रहा है, यानी कि अभी भी इसका स्टेबल वर्जन आना बाकी है। पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिया है इसलिए यहाँ पे पब्लिक बीटा यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बूस्ट योर पीसी परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी यूज यानी कि आपका रैम कंजम्पशन यहाँ पे आ रहा है 44%, टेम्पररी फाइल्स कितनी बिल्ड हो गई 13 MB। सीधा बूस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत तेजी से यहाँ पे बूस्ट कर दिया है यहाँ पे। ओके, इसके अलावा नीचे काफी सारे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, इंटरफेस को ध्यान से देख लेंगे एक बार हम, फिर उसके बाद इसको टेस्ट करके आपको बताएंगे। हेल्थ चेक, स्टोरेज मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, स्टार्टअप एप्स। ठीक है, तो ये क्लीनअप का पार्ट था। दूसरा पार्ट यहाँ पे सिक्योरिटी का है, जिसमें आप विंडोज अपडेट और ब्राउजर प्रोटेक्शन और पॉपअप मैनेजमेंट और साथ ही साथ विंडोज डिफेंडर की हेल्प से यहाँ पे आप डायरेक्टली यहीं से इसी ऐप से स्कैन भी कर लेते हैं। ओके, तो चलिए आपको एक बार बता देता हूँ किस तरीके से वर्क कर रहा है। हेल्थ चेक की बात करें तो हेल्थ चेक में आप देख सकते हैं लुकिंग फॉर इशू यहाँ पे करेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे अगर कोई इशू यहाँ पे नजर आएगा क्लीनअप के लिए या फिर टेम्पररी फाइल्स या फिर किसी कोई भी तरीके की करप्ट फाइल होगी वो अगर नजर आएगी तो जस्ट आप यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट करके जो जो आप चाहें और इसको प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि हेल्थ चेक कंप्लीट, यानी कि जो जो इशू इसको लगते थे वो इसने सॉल्व कर दिया और जो आप कस्टमाइज रूप से सिलेक्ट करेंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे। डन करेंगे। स्टोरेज मैनेजमेंट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सिस्टम में स्टोरेज कम हो गया है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी पहुंच से दूर होती है तो वो ये फाइंड आउट करके उनको डिलीट करेगा। जैसे आप देख सकते हैं डीप क्लीनअप, मैनेज लार्ज फाइल। लार्ज फाइल अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सिस्टम में लार्ज फाइल है और वो किसी काम की नहीं है तो आप यहाँ से डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। ऐप्स जो आपके काम नहीं आ रही है अनइंस्टॉल कर सकते हैं। स्टोरेज सेंस आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अलग अलग सेटिंग्स में जाके मिलती थी, अब आपको यहाँ पे कंप्लीट एक सिंगल ऐप के थ्रू मिल रहा है तो इसका यूज आप ले सकते हैं। जैसे डीप क्लीनअप मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैनिंग हुई यहाँ पे और सभी चीज़ें मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके सपोज यहाँ पे प्रोसीड कर देता हूँ तो जितना स्पेस ये मुझे क्लीन कर सकता है वो मुझे कर देगा। आप देख सकते हैं 102 MB और क्लीन कर दिया। ओके, मैं इसको पहले यूज कर चुका हूँ इसलिए काफी ज्यादा स्पेस में अपने सिस्टम में क्लीन कर चुका हूँ। ओके, मैनेज लार्ज फाइल की बात करें तो यहाँ पे 10 MB, 50 MB, 100 MB और 1 GB से बड़ी फाइल अगर आपको यहाँ पे सर्च करनी है तो आप उसको डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं और एक्सप्लोरर से फाइंड आउट करके जो आपके काम की फाइल नहीं है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका लार्ज फाइल को मैनेज करने का तरीका। इसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करते हैं। कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो आपके सिस्टम में ज़्यादा रैम कंज्यूम या फिर सिस्टम कंज्यूम कर रहे हैं तो आप उनको डायरेक्ट यहाँ से एंड कर सकते हैं। इस तरीके से जो आपको ऐसा लगता है आपके काम के नहीं है डायरेक्ट आप इस तरीके से एंड कर सकते हैं तो यहाँ से आप सभी चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं। ओके, चलिए बैक आते हैं। स्टार्टअप ऐप्स की बात करें, जो स्टार्टअप ऐप्स आप वो टास्क मैनेजर से हैंडल करते थे वो आप यहाँ से डायरेक्ट हैंडल कर सकते हैं। जो चीज़ें नहीं चाहिए वो उनको आप ऑफ कर दीजिए, जो चीज़ें चाहिए आप उसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ें यहाँ से मैनेज हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं सिक्योरिटी पे, स्कैन कर सकते हैं अपने सिस्टम को विंडोज डिफेंडर की हेल्प से। अपडेट अगर अवेलेबल हो तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर भी अपडेट के लिए ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ये सभी चीज़ें आप अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो जो जो चीज़ें आपके पास यहाँ पे अपडेट होने के लिए अवेलेबल हो और तो यहाँ पे अपडेट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपके पास लिखा जाएगा 6 अपडेट्स फाउंड, तो जितनी अपडेट्स आपके पास आ रही है तो अप टू डेट रहने के लिए और सिक्योर रहने के लिए आप लगातार अपडेट करते रहिए तो अपडेट हो जाएगा।
ब्राउजर प्रोटेक्शन में आप देखिए, ब्राउजर प्रोटेक्शन में ठीक है, जो डिफॉल्ट ब्राउजर रखना चाहते हैं अपने सिस्टम में या फिर अदर ऐप को डिफॉल्ट ब्राउजर चेंज करने से आप रोकना चाहते हैं तो वहां पर आप ब्राउजर प्रोटेक्शन का यूज लेंगे। इसके बाद पॉपअप मैनेजमेंट को आप अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। किसी भी तरीके का अगर आपको पॉपअप आता है और आप उस पर गलती से क्लिक ना कर दे तो आप उसको ऑफ ही रखें। तो ये सब सेटिंग्स आपको मिलती है सिर्फ एक जगह पे। मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, आपके सिस्टम में होनी चाहिए और इसको अब कैसे डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना है वो देखते हैं। ठीक है, इसका सभी काम तो हमने देख लिया, इसको क्लोज कर देते हैं। बहुत ही ईजी टू यूज एप्लीकेशन है, इसका सेटअप आप देख सकते हैं। ये रहा मेरे पास, मैंने इसको डाउनलोड किया था तब मात्र 3.87 MB की ये ऐप। अब देखिए इसको डाउनलोड कैसे आपको करना है। जस्ट आपको गूगल पे लिखना है पीसी मैनेजर माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, जस्ट ये लिखेंगे, पहला ही लिंक आपके सामने जाएगा pcmanager.microsoft.com का। इस लिंक पर जाएंगे, इस लिंक पर जाने के बाद आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का, जहां से आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे खास बात क्या है जानने वाली, कंपेटेबल विद विंडोज 10 एंड विंडोज 11। ओके, विंडोज 10 में भी जिनके पास 1809 वर्जन से अबव के वर्जन है या फिर 1809 है वो इसको यूज कर पाएंगे। 1809 मतलब 2018 का अक्टूबर का यहाँ पर अपडेट के बाद के जितने भी विंडोज 10 के वर्जन है वो आप यूज कर पाएंगे। तो डायरेक्ट आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, क्या क्या फीचर हैं इसके वो मैंने सब आपको बता ही दिए, वो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की और अमेजिंग तैयारी है माइक्रोसॉफ्ट की आगे आने वाले समय के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट बनाने के लिए, अपने इकोसिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा पहल है, आपको अलग से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इन चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करनी पड़ेगी और काफ़ी सारी ट्रिक्स जो हमने बताई हैं आपको उनका यूज़ करते हुए साथ में आप इन ऐप का यूज़ ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा टेस्टिंग होगी उसकी उतना ज़्यादा ये बेहतर बनेगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।